नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टाइगर्स इन इंडिया। द फर्स्ट असेसमेंट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियन टाइगर्स फर्स्ट डन इन 2006, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ टाइगर्स हैज कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड इन एवरी सर्वे सिंस इट स्टार्टेड, ये भी सही है। द टाइगर सेंसस इज कैरिड आउट बाई NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी सही है। द टाइगर इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, ये गलत है, वल्नरेबल नहीं होगा, ये होगा एंडेंजर्ड। सो द एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि द नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं 6.74%, 2018 में 2,967 थे और 2022 में 3,167 है। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए थे द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो फोकस करता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर एंड चीता, और ये इंटरनेशनल अलायंस है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था अप्रैल 1, 1973 में, और जो द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसे 2006 में अमेंड भी किया गया था। और जो टाइगर का साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस ग्लोबल 200, एन एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप रैंकिंग 200 कंपनीज रिलीज्ड बाय फोर्ब्स मैगजीन, लिस्ट ऑफ 200 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिलीज्ड बाय यूनेस्को, लिस्ट ऑफ 200 सिटीज विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लिस्ट ऑफ 200 इको रीजन्स आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एज प्रायोरिटीज फॉर कंजर्वेशन। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इको रीजन क्या होता है? एक रिलेटिवली लार्ज यूनिट ऑफ लैंड एज वेल एज वाटर, मरीन भी है, कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ नेचुरल कम्युनिटीज दैट शेयर अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ देयर स्पीसीज डायनामिक्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंडेमिज्म, मेडागास्कर जो एक इंडियन ओशन में अफ्रीकन कंट्री है, उसको मल्टीपल लिस्टिंग्स मिली गई है इको रीजन्स की। लेक बैकाल जो रशिया में है, उसको भी लिस्टिंग की गई है, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक जैसे कि लेक सुपीरियर, उसे इस लिस्ट में नहीं रखा गया। सो द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड असाइन कंजर्वेशन स्टेटस टू ईच इको रीजन इन द ग्लोबल 200। कौन से कैटेगरीज में? तो क्रिटिकल और एंडेंजर्ड में फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड है वल्नरेबल, थर्ड है रिलेटिवली स्टेबल और इंटैक्ट। और ओवर हाफ ऑफ द इको रीजन्स इन द ग्लोबल 200 आर रेटेड एज एंडेंजर्ड। मोस्ट ऑफ द इको रीजन्स आर एंडेंजर्ड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, द लिमिट ऑफ ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 MW टू 100 KW फॉर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सही आंसर। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर अलाउड टू परचेज ग्रीन पावर ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्रीन अमोनिया हैज बीन इंक्लूडेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। सो हमें करेक्ट आंसर चुनने हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। अब साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की। तो ये प्रोमोट करता है जनरेशन, परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, जो कि इंक्लूडेड है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एज वेल एज एनर्जी प्लांट्स। जैसे एनर्जी प्लांट्स के एग्जाम्पल है, जैसे जेट्रोपा हो गया, पोंगयांग या पिनाटा हो गया, ये एनर्जी प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। द लिमिट जो हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 MW टू 100 KW फॉर ग्रीन एनर्जी, ताकि स्मॉल कंज्यूमर्स जो है वो भी परचेस कर सके। द
टाइम बाउंड प्रोसेसिंग है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और एक नेशनल पोर्टल भी होगा। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर अलाउड टू परचेस ग्रीन पावर ऑन वॉलेंटरी बेसिस। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि देयर शैल बी यूनिफॉर्म रिन्यूअल परचेस ऑब्लिगेशंस ऑन ऑल ऑब्लिगेटेड एंटिटीज इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द लाइसेंसी। और जो ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रीन अमोनिया हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड टू फुलफिल इट्स रिन्यूअल परचेस ऑब्लिगेशन। और साथ ही साथ में इस कंज्यूमर्स को ग्रीन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज कॉल्ड टॉप स्लिप? ऑप्शंस क्या है? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मुदुमलई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और ये कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। और इसे टॉप स्प्लिट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लाइडिंग टिम्बर लॉग्स डाउन द हिल। तो इस प्रैक्टिस के कारण इसे टॉप स्लिप कहा जाता है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दोनों ही हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज आर द ओनली स्पीसीज ऑफ बस्टर्ड फाउंड इन इंडिया। ऐसा नहीं है, दे प्रेफर ग्रासलैंड फॉर देयर हैबिटेट, ये सही है। दे आर हर्बीवोरस इन नेचर, ये गलत स्टेटमेंट है। सो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक फोटो है और ये सबसे लार्जेस्ट है बस्टर्ड्स की स्पीसीज में से। अदर थ्री जो इंडिया में मिलती है वो मैक्वीन्स बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है और बंगाल फ्लोरिकन है। इसकी जो हिस्टोरिक रेंज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी, और बट नाउ जो एरिया है ये जस्ट 10% रह गई है। और ये जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हेवीएस्ट बर्ड विथ फ्लाइट, उड़ भी सकती है और हेवी भी होती है काफी। और ये प्रेफर करती है ग्रासलैंड एज देयर हैबिटेट। दे फीड ऑन इंसेक्ट, लिजर्ड्स, ग्रास सीड्स, सो दे आर ओमनिवोर्स। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक फ्लैगशिप बर्ड स्पीसीज है ऑफ ग्रासलैंड, सो एक बैरोमीटर सेट कर देती है ऑफ द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मतलब अगर इनकी पॉपुलेशन अच्छी है, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हेल्थ भी सही है। फिर ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो मेजर कॉज है इस इनकी। और ये जो बर्ड्स है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 81,000 एनिमल स्पीसीज सो फार डिस्क्राइब्ड फ्रॉम इंडिया, इनवर्टिब्रेट्स हैव अ लायंस शेयर विद अबाउट 68,000 ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, विच अमंग देम एम्फसाइजेस अपॉन कंजर्वेशन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के लिए है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेसिकली नेशनल पार्क सेंचुरीज को मैंडेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, जिसमें कहा गया था 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए प्लेन्स में और 67% होना चाहिए हिली रीजन में। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस में कहा गया था। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। और नॉलेज शेयरिंग भी होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फाइबर ब्रॉडबैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज मच फास्टर एंड रिलायबल देन द कन्वेंशनल ब्रॉडबैंड सर्विस। ये स्टेटमेंट सही है। द फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिट लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। द मेथड यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज थ्रू डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये गलत है।
तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। फाइबर ब्रॉडबैंड इज एन इंटरनेट कनेक्शन पावर्ड बाई फाइबर ऑप्टिक्स, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स पे है और इट इज मच फास्टर एंड मोर रिलायबल देन कन्वेंशनल ब्रॉडबैंड सर्विस एंड इम्यून टू इंटरफेरेंस। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है डीएसएल और केबल के कंपैरिजन में, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 1000 Mbps, और इसके कंपैरिजन में जो डीएसएल की मैक्सिमम स्पीड है वो 100 Mbps है और केबल की मैक्सिमम स्पीड 400 Mbps है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? तो फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिट लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता ही होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ m/s। सो बहुत स्पीड है। दीज केबल्स कैन कैरी डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूडिंग एंटायर ओशंस ऑल्सो, एंड स्टिल ऑफर सीमलेस कनेक्टिविटी विथ फास्ट स्पीड ड्यू टू अ फेनोमेनन कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसमें दो चीज़ होती है, एक कोर होती है जो कि प्लास्टिक या फिर ग्लास से बनी होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है, और आउटर जो इसकी कोर के बाहर की जो लेयर है वो होती है क्लैडिंग, एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू कोर थोड़ी सी कम रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सवाना बायोम? सवाना इज मोस्टली मोस्टली एक्सटेंसिवली फाउंड इन अफ्रीका। ये स्टेटमेंट सही है। ग्रासेस विथ स्केटर्ड ट्रीज एंड फायर रेसिस्टिंग थॉर्नी स्क्रब, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। करेक्ट आंसर चूज करना है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैप में देख लीजिए कि अफ्रीका रीजन में या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड ज़्यादा पाई जाती है, तो अफ्रीकन कंटिनेंट में है, लैटिन अमेरिकन कंटिनेंट में है, इंडिया में भी है, और कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ट्रीज जो होते हैं बहुत वाइड स्प्रेड नहीं होते, बहुत दूर पे रहते हैं, और ग्रासेस जो होते हैं वो फायर रेसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन जो थॉर्नी श्रब्स हैं वो फायर रेसिस्टेंट होते हैं। द फौना जो इंक्लूड होता है ग्रासलैंड का, बहुत सारे ग्रेजर्स होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि एंटीलोप्स, बफेलोज वगैरह, जीब्रा भी मिल जाता है। द कार्निवोर्स इंक्लूड लायन, चीता, हाइना, बहुत सारे रोडेंट्स भी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? थंडर स्टॉर्म कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर टू अमोनिया एंड नाइट्रेट। ये ऑप्शन सही है। अमोनिया नाइट्रेट्स रीच द अर्थ सरफेस थ्रू प्रेसिपिटेशन एंड देन इनटू द सॉइल टू बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ये भी सही है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आंसर होगा। ये नाइट्रोजन साइकिल का एक चार्ट है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरली भी होता है, मैनमेड भी होता है। नेचुरली जैसे कि ये लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म से होता है, और एक तरीका है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल में भी मैनमेड तरीके से भी नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, द मिस्टी इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशंस अलॉन्ग इंडियाज़ कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स, रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन लेवल इन नॉर्दर्न कैपिटल रीजन, फैसिलिटेट ट्रीटमेंट फॉर वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द नेशनल हाईवे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो इसमें मैंग्रोव्स ग्रो किए जाएंगे, द कोस्टल स्टेट्स जितने भी हैं उन पे ग्रो किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वो वेस्ट बंगाल में है, देन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब रीजन्स में है। द प्रोग्राम विल ऑपरेट थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा एंड कैंपा फंड,
जो कि है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। द न्यू प्रोग्राम विल एम एट इंटेंसिव एफोरेस्टेशन ऑफ कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सब अल्पाइन फॉरेस्ट? इन द ईस्टर्न हिमालयस द वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो एंड ब्लैक करंट, ये सब ट्रीज के नाम है। इन द वेस्टर्न पार्ट रेड फिर, ब्लैक जूनिपर, बर्च आर द कॉमन ट्रीज। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। उम्मीद करता हूँ इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोस आएंगे एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।